जीपीसी बीकानेर से मैं प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लास्ट जो हमारा पिछला पार्ट वन था यूनिट वन का, उसमें हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब हम इसकी टॉर्क इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम उसके बाद में। जो टॉर्क इक्वेशन होती है इसकी, यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू बी एल आई एन डी। यहाँ बी टी डी जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एल जो है वो लेंथ है, आई जो है वो करंट इन द कंडक्टर है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं और डी जो है इसका डायमेंशंस हैं। तो द करंट इन द कॉइल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मस्ट फ्लो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए टू कॉज द पॉइंटर टू मूव पॉजिटिवली फ्रॉम जीरो पोजिशन ओवर द स्केल। व्हेन द करंट इज रिवर्स्ड द इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द कॉइल विद दैट ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज द कॉइल टू रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर करंट रिवर्स होगी तो क्या होगा, दोनों जो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड और जो करंट के कारण कॉज्ड फील्ड है, उन दोनों का जो कारण जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिससे कि वो उसको पॉइंटर को लेफ्ट यानी जीरो की तरफ ऑफ स्केल धकेलने की कोशिश करेगा। द टर्मिनल्स ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर आइडेंटिफाइड एज प्लस एंड माइनस टू इंडिकेट द करेक्ट पोलैरिटी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पोलराइज्ड बिकॉज इट इज़ पोलराइज्ड। क्योंकि ये पोलराइज है इसलिए क्या है कि पीएमएमसी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एसी मेजरमेंट के लिए, इसको हम एसी मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम डीसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। विदाउट रेक्टिफायर्स इट इज़ प्योरली ए डीसी इंस्ट्रूमेंट, यानी बिना रेक्टिफायर के ये प्योरली डीसी इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी जो टॉर्क इक्वेशन है, व्हेन ए करंट आई आई फ्लोज थ्रू वन टर्न कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड देन एफ इज एग्जर्टेड, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, दिस मच इज द फोर्स। अब जहाँ आई जो है वो करंट है और एल जो है वो लेंथ ऑफ कॉइल है, तो फोर्स एक्टेड ऑन ईच साइड ऑफ द कॉइल, चूंकि जो फोर्स है वो दोनों साइड लगता है, तो जो फोर्स के कारण जो हमारा टॉर्क होगा, फोर्स के कारण जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा, एफ इंटू जो भी हमारी डिस्टेंस है। द फोर्स ऑन ईच साइड एक्ट्स एट ए रेडियस आर प्रोड्यूसिंग ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो दिस टी डी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो हम कह सकते हैं बी इंटू आई इंटू एल इंटू एन, और उसका डबल होगा क्योंकि दोनों साइड फोर्स लग रहा है, और उसको हम अगर हम समय टॉर्क निकालना हो तो हमें उसे आर यानी रेजिस्टेंस सॉरी उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, उसे हम जो है लिख सकेंगे, जैसे कि हम देखें यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो होगा टू इंटू बी इंटू आई इंटू एल इंटू एन इंटू आर। तो यहाँ आप देखिए कि मैं रेडियस आर से मल्टीप्लाई किया है और ये दो साइड से फोर्स है इसलिए डबल कर दिया हमने इस बी आई एल एन आर का। तो अब यहाँ टू इंटू आर, टू आर को हम एक साइड में ले लें, टू इंटू आर को, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, डायमीटर है, इसलिए हमने टू आर की जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू आर की जगह मैंने इस इक्वेशन में डी को यूज़ किया है, यहाँ डी यूज़ किया है और बाकी सेम है बी आई एल एन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो इक्वेशन बनती है
इस इक्वेशन के आधार पे हमने एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है। एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि 100 टर्न हैं कॉइल के, और इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है एयर गैप्स के अंदर वो कितनी है, बी इज इक्वल टू 0.2 टी, ये इसकी बी है। द कॉइल डायमेंशंस आर डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट द टॉर्क फॉर कॉइल फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो इसके लिए हमने इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये क्वांटिटीज दी हुई हैं, हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास टोटल, देखिए बी की वैल्यू हमने 0.2 रख दी, और जो हमें बाकी आई एल एन इन सब की भी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लास्ट में हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलता है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। तो ये हमारा एक जिस न्यूमेरिकल है। अब हम गैल्नोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो गैल्नोमीटर इज एसेंशियली ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू बी सेंसिटिव टू एक्सट्रीमली लो करंट लेवल्स। द गैल्नोमीटर इज वेरी सेंसिटिव विद द टाइप ऑफ सेंटर जीरो स्केल। द डिफ्लेक्टिंग सिस्टम इज अरेंज सो दैट द पॉइंटर कैन बी डिफ्लेक्टेड टू आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ जीरो। इसमें यह राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पॉइंटर मूव कर सकता है गैल्वेनोमीटर में। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटर कैन बी डिफ्लेक्टेड टू आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ जीरो। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन करंट थ्रू द मूविंग कॉइल, यानी जो मूविंग कॉइल कि जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ये राइट या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। द स्केल मे बी कैलिब्रेटेड इन माइक्रो एम्पियर्स और इट बी ए मिलीमीटर स्केल। इफ इट इज अ मिलीमीटर स्केल द इंस्ट्रूमेंट करंट सेंसिटिविटी इज यूज्ड टू डिटरमिन द करंट लेवल दैट प्रोड्यूसेस ए मेजर्ड डिफ्लेक्शन। द टॉर्क इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनोमीटर इज, जो हमने अभी बात की थी वही थी टॉर्क इक्वेशन। द मोस्ट सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज टॉर्क बैंड सस्पेंशन एंड द कंट्रोलिंग टॉर्क इज जनरेटेड बाय ट्विस्ट इन सस्पेंशन रिबन। ये हमारा जो सस्पेंशन रिबन है इसको यूज करते हुए कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट किया जाता है गैल्वेनोमीटर में। एडी करंट डैम्पिंग में बी प्रोवाइडेड एज इन द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। भंवर धाराओं के द्वारा हम इसमें डैम्पिंग प्रोवाइड कर सकते हैं बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन ए नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग कॉइल फॉर्मर। जैसे कि कोई एल्युमिनियम का हमने फॉर्मर लिया और उसके ऊपर हम कॉइल को वाइंड करके और उसकी सहायता से हम भंवर धाराएं उत्पन्न कर सकते हैं। समटाइम्स नॉन कंडक्टिंग कॉइल फॉर्मर इज एम्प्लॉयड एंड द डैम्पिंग करंट्स आर जनरेटेड सोलली बाय द मूविंग कॉइल। इन दिस केस द कॉइल इज शंटेड बाय अ डैम्पिंग रजिस्टर विच कंट्रोल्स द लेवल ऑफ एडी करंट्स जनरेटेड बाय द कॉइल मूवमेंट्स। ए क्रिटिकल डैम्पिंग रजिस्टेंस विच गिव्स डैम्पिंग टू अलाउ द पॉइंटर टू सेटल डाउन क्विकली। तो अब हम देखें कि ये इस चित्र में जैसा हम देख सकते हैं ये एक इट इज एन एडजस्टेबल शंट रेजिस्टर
इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एक्स्ट्रा करंट, एक्सेसिव करंट. द शंट रेजिस्टेंस इज इनिशियली सेट टू जीरो एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू डाइवर्ट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो इसको जो है, इस करंट को डाइवर्ट करने के लिए हम इस शंट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं. नाउ अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ करंट सेंसिटिविटी, तो एक इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं. एक गैल्वेनोमीटर जो है उसकी करंट सेंसिटिविटी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1 माइक्रो एम्पियर पर मिलीमीटर. ये हमें उसकी करंट सेंसिटिविटी दी हुई है. देखिए आप, इसका मतलब क्या होता है कि 1 माइक्रो एम्पियर करंट जब उसमें से फ्लो होगी तो वो 1 mm का डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी, ये इसका मतलब होता है. तो सेंसिटिविटी जो है वो, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम करंट भी, न्यूनतम करंट भी जो है उसमें अधिकाधिक विक्षेपण या डिफ्लेक्शन उत्पन्न कर सके. तो यहाँ ये दी हुई है, और एक क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 1 किलो ओम. ये डैम्पिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 किलो ओम. तो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, पहला एक तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है ये कैलकुलेट करना है, और हमें कैलकुलेट करना है कि मेगा ओम में सेंसिटिविटी क्या होगी. तो इसका हमें जैसे सॉल्यूशन देखे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो कितनी होगी, वो होगी जो हमारा डैम्पिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको अगर हम करंट सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी. और इसका मतलब ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का कि 1 mm का डिफ्लेक्शन उत्पन्न करने के लिए हमें 1 मिलीवोल्ट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हमें 1 VmV/mm चाहिए तो उस केस में मेगा ओम सेंसिटिविटी कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे. कुछ सिंपल है, इसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे किसका, करंट सेंसिटिविटी का. यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी में अगर हम करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड कर दें तो एक तरह से मेगा ओम सेंसिटिविटी हमें मिल जाएगी जो कि 1 मेगा ओम है. तो ये एक हमारा जैसे इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल आता है कई बार. गैल्वेनोमीटर्स आर ऑफन एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट जीरो करंट और वोल्टेज इन सर्किट रादर देन टू मेजर द एक्चुअल लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज. सो द इंस्ट्रूमेंट इज रेफर टू एज ए नल मीटर और नल डिटेक्टर. गैल्वेनोमीटर यूज्ड एज नल मीटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेस करंट. प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय एन एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन शंट विद द इंस्ट्रूमेंट. तो इस ये जैसा हम चित्र में दिखाई, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है. द शंट रेजिस्टेंस, व्हेन द शंट रेजिस्टेंस इज जीरो, जब ये जीरो होता है शंट रेजिस्टेंस, तो ऑल ऑफ द सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द शंट. एज द शंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज अबव जीरो, जैसे ही हम इसको शंट रेजिस्टेंस को जीरो से अधिक बढ़ाते हैं तो करंट की फ्लो की मात्रा बढ़ जाती है गैल्वेनोमीटर से. गैल्वेनोमीटर एप्लीकेशंस हैव जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. तो अब जैसे डीसी अमीटर है उसके अंदर हम इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं. तो अब हम देखेंगे डीसी अमीटर के बारे में. नाउ ये एक जैसे सर्किट है, दिस इज़ अ डायरेक्ट करंट अमीटर, डीसी अमीटर, जिसमें कि पीएमएमसी को यूज़ किया हुआ है और एक लो रेजिस्टेंस शंट को यूज़ किया हुआ है. ये लो रेजिस्टेंस इसमें शंट का भी यूज़ किया हुआ है. द मीटर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शंट करंट सो दैट द मीटर स्केल कैन बी कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट द टोटल अमीटर करंट.
यानी कि जो मीटर की करंट है उसको वो शंट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ताकि जो मीटर की स्केल है वो उसको डायरेक्टली हम कैलिब्रेट कर सकें, ताकि वो टोटल अमीटर करंट को दर्शाए। नाउ डीसी मीटर के बारे में जब अगर हम देखें तो ये हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कौन से सर्किट के? इन विच करंट इज़ टू बी मेजर्ड, जिस सर्किट के अंदर से, जिस सर्किट के थ्रू जो करंट हमें मेज़र करनी है, जो सर्किट अंडर टेस्ट है उसके हमेशा सीरीज में लगाया जाता है अमीटर को। टू अवॉइड अफेक्टिंग द करंट लेवल इन द सर्किट द अमीटर मस्ट हैव अ रेजिस्टेंस मच लोअर देन द सर्किट रेजिस्टेंस। द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज एन अमीटर, पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो द मैक्सिमम पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरी स्मॉल करंट एंड द कॉइल इज यूजुअली वाउंड ऑफ थिन वायर दैट वुड बी क्विकली डिस्ट्रॉयड बाय लार्ज करंट्स। सो फॉर लार्ज करंट्स द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी मॉडिफाइड सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट टू बी मेजर्ड इज शंटेड अराउंड द कॉइल ऑफ द मीटर। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट शुड पास थ्रू द मूविंग कॉइल। ए शंट, शंट मीन्स ए वेरी लो रेजिस्टेंस। ए वेरी लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट कॉइल। द शंट इज समटाइम्स कॉल्ड फोर टर्मिनल रेजिस्टर। जो शंट होता है उसे हमें कई बार फोर टर्मिनल रेजिस्टर भी कहते हैं। बिकॉज, क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज टू सेट्स ऑफ टर्मिनल्स आइडेंटिफाइड एज वोल्टेज टर्मिनल्स एंड करंट टर्मिनल्स। दिस इज टू एंश्योर दैट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द कॉइल आर एस, ये जो आर एस कॉइल है, ये आर एस है। सो इट इंश्योर्स दैट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आर एस इज डिफाइंड एंड द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट टर्मिनल्स इज रिमूव्ड फ्रॉम आर एस। नाउ द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैन वेरी, इट कैन बी वेरिएबल।